वेलकम टू द पुल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रिजनरेशन। रिजनरेशन क्या होती है? ये एक बॉडी एबिलिटी होती है जो अपने लॉस्ट या इंजर्ड पार्ट को दोबारा से रिकवर करती है। बहुत से इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रिजनरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पॉन्ज के अंदर रिजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है। स्पॉन्ज ना सिर्फ अपने इंजरी के दौरान खोए हुए पार्ट को डिवेलप कर सकता है, बल्कि स्पॉन्ज का हर बॉडी पार्ट इतनी एबिलिटी रखता है कि वो दोबारा से ग्रो करके न्यू कम्प्लीट स्पॉन्ज बना सकता है। बट स्पॉन्ज के अंदर ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। स्पॉन्ज को अपनी बॉडी रिकवर करने के लिए मंथ या फिर सालों भी लग जाते हैं। अब स्पॉन्ज क्या है, कुछ को नहीं पता होगा स्पॉन्ज कैसे नज़र आते हैं, तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज कैसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉबस्टर। लॉबस्टर की पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, इस साइड पे मैं लगा दूंगी। तो लॉबस्टर जो है वो झींगा होता है जो समुंदर में पाया जाता है। अब जैसे ही लॉबस्टर अपने पिंसर क्ला को लॉस्ट करता है, अब पिंसर क्ला क्या है, लॉबस्टर का वो बॉडी पार्ट जिससे वो अपनी फूड को ग्रैब करता है, पकड़ता है, उसे हम पिंसर क्ला कहते हैं। अगर लॉबस्टर अपना पिंसर क्ला जो है वो खो देता है, लॉस्ट कर देता है, तो उसका न्यू पिंसर क्ला फिर से रिजनरेट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास है स्टारफिश। तो स्टारफिश भी आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। तो स्टारफिश हमारे पास ये भी समुद्र में पाई जाती है, और ये भी अपने आर्म जो है वो लॉस्ट कर दिया। और अगर स्टारफिश अपना कोई आर्म यानी बाजू जो है वो लॉस्ट कर देती है, ब्रेक कर देती है, तो इसके अंदर एक सेंट्रल डिस्क पाई जाती है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि अपना खोया हुआ आर्म ये दोबारा से रिकवर कर देती है। मोस्टली तमाम स्टारफिश के अंदर सेंट्रल डिस्क से ही न्यू आर्म जो है वो डिवेलप होता है। बट बहुत कम केसेस हैं, बहुत ही रेयर है कि एक आर्म जो है वो डिवेलप करके न्यू स्टारफिश बना दे, बहुत ही रेयर होता है। कुछ स्टारफिश के अंदर एबिलिटी हो सकती है, बट मोस्टली जो है वो सेंट्रल डिस्क की कैपेबल है लॉस्ट आर्म को डिवेलप करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म भी आपको इधर स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। तो अर्थवर्म अगर अपना हेड एक्सीडेंटली रिमूव कर लेता है, या उसका हेड जो है वो किसी वजह से कट जाता है, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी है उसके बॉडी टिश्यूज़ के अंदर कि वो फिर से अपना न्यू हेड रिजनरेट कर लेता है। अब हमने डिफरेंट ऑर्गेजम्स के अंदर डिफरेंट रिजनरेशन एबिलिटी तो देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिम्स के बारे में कि लिम्स भी रिजनरेट करते हैं या नहीं करते हैं। अब स्लेमेंडर क्या है? स्लेमेंडर आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो स्लेमेंडर की डिफरेंट एज के अंदर लिम्स जो है रिजनरेट करते रहते हैं। लिम्स जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रिजनरेट करते रहते हैं, लेकिन मोस्टली ये रैपिडली तब ग्रो करते हैं जब एम्फीबियंस यंग या स्मॉल होते हैं। अब लिम्स के अलावा अदर बॉडी पार्ट के अंदर भी एबिलिटी होती है रिजनरेट करने की। फॉर एग्जांपल लिजर्ड एंड एम्फीबियंस के लार्वा में टेल। अदर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारी बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती हैं तो बोन्स जो है खुद को रिकवर करना स्टार्ट करती हैं, इज आल्सो कॉल्ड रिजनरेशन प्रोसेस। इसी तरह अगर स्किन के ऊपर कोई वाउंड हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो स्किन उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, तो ये भी हमारे पास रिजनरेशन की ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे स्टारफिश की डायग्राम मैंने बनाई हुई है। तो यह है स्टारफिश, यह है इसकी सेंट्रल डिस्क और यह है इसके आर्म्स। अगर एक्सीडेंटली स्टारफिश का कोई आर्म जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये जो सेंट्रल डिस्क है वो बिल्कुल ठीक है। तो सेंट्रल डिस्क क्या करती है, अपने खोया हुआ आर्म फिर से दोबारा डिवेलप कर लेती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि रिजनरेशन एबिलिटी प्लांट्स के अंदर जो है वो कैसे होती है। सो प्लांट्स का जो फैलना है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करना है, वो रिजनरेशन के ऊपर ही बेस करता है। यानी रिजनरेशन के बिना प्लांट के अंदर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो अब प्लांट्स का कोई एक पार्ट हो या फिर इवन उसका स्मॉल फ्रेगमेंट की ना हो, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो न्यू कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। चाहे स्टेम का पीस ले लें, चाहे हम लीफ का पीस ले लें, या फिर हम कोई प्लांट का सिंगल एक टिश्यू क्यों ना ले लें, तो उस टिश्यू के अंदर भी इतनी एबिलिटी होती है कि उससे न्यू प्लांट बन जाता है। अब रिजनरेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब है कि रिजनरेशन के दौरान असल में होता क्या है, कैसे बॉडी पार्ट दोबारा से ग्रो हो जाता है। तो ड्यूरिंग रिजनरेशन सेम वही प्रोसेस होता है जो कि एम्ब्रियो में पहले ऑर्गन फॉर्मेशन के दौरान प्रोसेस हुआ था। यानी वही प्रोसेस फिर से रिपीट होता है जैसे ही कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है किसी बॉडी का। अब होता ये है कि जैसे ही बॉडी पार्ट लॉस्ट हुआ, तो सेल्स भी जो उस बॉडी पार्ट के अंदर थे वो भी लॉस्ट हो गए। तो जो बॉडी होती है, बॉडी में कुछ सेल्स जो हैं वो खुद को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जैसे ही डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, वो साइट पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं
जहाँ से बॉडी पार्ट कटा हुआ होता है उस साइड को हम कहते हैं एम्पुटेशन, यानी वो साइड्स जहाँ पे कट लगा है, जहाँ पे रिजनरेशन होनी है, तो सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करके उस साइड की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही सेल्स वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं तो उनके अंदर प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा स्पीडली होना स्टार्ट हो जाता है और न्यू बॉडी पार्ट बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि बॉडी पार्ट या तो सेम बनेगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब सेम बॉडी पार्ट कैसे बनेगा? ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर रिजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर जो बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल सेम बनेगा, उसके कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अगर उस बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है रिजनरेशन करने की तो जो न्यू बॉडी पार्ट डिवेल्प होगा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रीवियस से, यानी सेम नहीं होगा। तो ये हमारे पास था रिजनरेशन।